Start our written work on English workbook page number 42. And here, our topic is use of my and your. Before you start your work, say Bismillah. Do you know where we use my? We use my when we talk about my. माई सेल्फ जब आप अपने बारे में बात करते हो अपनी किसी चीज़ के बारे में बात करते हो तो आप उसके लिए माई यूज़ करते हैं जैसे कि ये पेन मेरा है तो जब मैं इसके बारे में बात करूँगी मैं बोलूँगी कि ये पेन मेरा है तो मैं इसको इंग्लिश में ऐसे बोलूँगी दिस इज़ माई पेन दिस इज़ माई पेन क्योंकि ये मेरा पेन है तो मैं इसको कहूँगी दिस इज़ माई पेन और योर हम तब यूज़ करते हैं वैन वी टॉक टू एन अदर पर्सन जब हम किसी दूसरे शख्स के बारे में या दूसरे शख्स की चीज़ के बारे में कहते हैं तो हम उसके लिए योर यूज़ करते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोज करें कि ये बुक मेरी नहीं आप लोगों की है तो मैं आप लोगों ये बुक के लिए यूज़ करूँगी दिस इज़ योर बुक दिस इज़ माई पेंसिल एंड दिस इज़ योर बुक लेट्सटार्ट आर वर्क आपने जब राइट करना है तो आपने इसको साथ साथ स्पेलिंग के साथ, साथ लर्न भी करना है और माई का मीनिंग भी याद करना है माई मीन मेरा माई बुक इज़ स्मॉल स्मॉल का मीनिंग पता है ना स्मॉल कहते हैं छोटे को ये यह, यहाँ पे बॉय कह रहा है कि मेरी बुक जो है ना वो छोटी है योर बॉल इज़ बिग योर मीन हमने बताया था तुम्हारा अब ये वाला बॉय बॉय को कह रहा है कि तुम्हारी बोल जो है वो बड़ी है मेरी बुक छोटी है दिस इज माई कैट अब ये बॉय कह रहा है ये मेरी बिल्ली है दैट इज़ योर कैट ये आपकी बिल्ली है ये वाला बॉय इसको बोल रहा है ये आपकी बिल्ली है माई खाइट इज स्मॉल योर खाइट इज बिग आपने जब राइट करना है अगेन मैं कह रही हूँ कि आपने स्पेलिंग भी पढ़ने हैं माई के और इसके मीनिंग के साथ लर्न करना है माई मेरा योर तुम्हारा माई का एक्शन आपने अपनी तरफ को करना है माई मेरा और योर का जब करना है तो इस तरह योर आपका थैंक यू हैव डे